तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फोटो एडिटिंग सीखने के लिए सागर मेहरा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करोगे तभी आपको नोटिफिकेशन मेरी वीडियो की मिल पाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं एक नया गिफ्ट लाया हूँ फ्रेंड्स, जो 3000 सब्सक्राइबर का गिफ्ट है। ये जो मैंने अपना एक नया ग्रुप बनाया सागर मेहरा एडिटिंग जॉइन से, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। तो आप छोटी मोटी हेल्प इससे ले सकते हो। जब मैं जॉब से फ्री होऊंगा उस वक्त आपकी हेल्प कर दे करूंगा पूरी। ओके, तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप सीधा इसमें ऐड हो सकते हो जिसे ऐड होना हो। ओके, तो हम आज जो वीडियो फोटो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं, बड़ी ज़बरदस्त फोटो एडिटिंग है आज, सिनेमैटिक इफेक्ट होगा इसमें फ्रेंड। जो जो हमारा मॉडल है उसे आज हम इसे एडिट करेंगे। तो एडिट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और शेयर करना। लाइक शेयर और आपको पता ही है फ्रेंड्स, लाइक शेयर और कमेंट तो करना आपको फ़र्ज है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी लाइटनेस लेंस प्रोफाइल को ऑप्शन ओके कर लेना और इन सबको नॉइज एक्शन को इन सबको 100% कर देना। ओके, तो आपको इसके बाद इसमें आना है, हाईलाइट्स को आपने 6% बढ़ा लेना है, 5 या 6 4% बढ़कर कोई बात नहीं। शेडो को आपको 39 या 40 पर रख लेना है। ओके, और इसके बाद आपको लाइटनेस 96% ऑफ माइनस में रखना है और इसके ब्लैक्स को भी 25 के अंदर अंदर रखना है माइनस में। ओके, तो अब आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। इसके बाद आपको टेम्प को करना है 34 माइनस। ओके, ओवर नहीं, 34। टेम्प को तो पूरा प्रॉपरली सेट रखना है, 35 या 24। 10% बैटरी है, कर दूंगा एडिट। और इसकी इसको हमने करना है 47 होगा, कोई बात नहीं, 48 हो गया। इसकी सैचुरेशन को हमने कर लेना 41। ओके, ऐसे 41 हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, मिक्स में आना है और रेड कलर के सैचुरेशन को हमें 50% या 49, ठीक है। और इसकी ल्यूमिनेंस को फुल कर लेना है और फेस के कलर पे जाना हमने। इसकी सैचुरेशन हम कर लेंगे 33 माइनस 31 होगी, कोई बात नहीं, और 57 ल्यूमिनेंस बढ़ा लेंगे। ओके, इसके बाद आपको आना है येलो कलर पे। येलो कलर के सैचुरेशन को हमने कर देना है 85% माइनस। एक सेकेंड, तो ये मैंने कर दिया यहाँ पे। इसकी ल्यूमिनेंस बढ़ा लेंगे 85। जितनी सैचुरेशन कम करोगे उतनी ही ल्यूमिनेंस कर देना इसकी, ठीक है। 85 85 हो गया। अब आपको आना है ग्रीन कलर पे और इसको यहाँ से सैचुरेशन ये सब फुल कर लेना है, ल्यूमिनेंस बढ़ा लेनी है। अब इस पर आना है, इसके ह्यू को फुल और लाइटनेस को भी फुल, ठीक है। और उसके बाद आपको जाना है इस पर और इसके ह्यू को कर लेंगे हम 37 माइनस 38 या 37 हो गया। सैचुरेशन फुल कर लेंगे और इसके ल्यूमिनेंस को 41 तक, ठीक है। और उसके बाद आपको पर्पल कलर पे आना है, इसकी सैचुरेशन कर लेनी है कम, 67 कर लेनी है। इसके ल्यूमिनेंस को अप कर देना, ज़्यादा कर देना, यानी कि जैसे मैंने 90 तक कर दिया। और इसकी 47 सैचुरेशन कम कर देंगे हम इस वाले कलर की, ठीक है। और ल्यूमिनेंस बढ़ा देंगे इसकी 85 कुछ। ओके, अब उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से डन और अब इस पर आना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको इस वाले को 83 कर लेना है और इसको तो मेन पॉइंट को बिल्कुल ही 100 कर ले, 100 माइनस, ठीक है। एक सेकंड फ्रेंड्स, रोटेट हो चुका है, अब यहाँ से हो गए। फिर आपको
फेदर को आपको करना है 78, कितना 78, 80 होगा कोई बात नहीं। ये देखा फ्रेंड्स कितनी अच्छी पिक बन गई। अभी राउंड्स को करना है आपने, राउंड नेम्स को 42, कितना 42, ओके। और जो हमारे हाइलाइट्स है इसको हमने कर लेना है 90 के आसपास, 90 हो गया। अब ये सब हो गया फ्रेंड्स, अब ये देखिए फ्रेंड्स, और ये जो एडिटिंग हुई है आप ये भी देखिए, और इसमें हम थोड़ी बहुत पिक के अंदर क्लैरिटी डाल देंगे। पिक के अंदर क्लैरिटी डालनी बहुत ही अच्छी बात होती है। ओके फ्रेंड्स, ये आज की एडिटिंग हमारी पूरी हो चुकी है फ्रेंड्स। अब ये देखिए, ये थी हमारी सिनेमैटिक फोटो एडिटिंग। तो फ्रेंड्स अभी ये देख लें नेचुरल कलर, और ये देखिए फ्रेंड्स, ओके ये देखिए कितना ही नेचुरल डार्क इफेक्ट आ चुका है। एक बात जैसे कहते हैं ना हम, डार्क इफेक्ट आ चुका है। तो फ्रेंड्स इतनी बढ़िया मैंने आपको एडिटिंग सिखाई है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, और कोई सी भी छोटी मोटी हेल्प हो तो मेरे ग्रुप में ऐड हो जाना, वहाँ पर मैं आप सब लोगों की हेल्प कर दूँगा। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।